नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से एक बड़ी खबर आई है। तो आइए देखते हैं इस नोटिस को कि इस नोटिस के बारे में क्या बोला गया है। दोस्तों, एलटी ग्रेड 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसकी वेटिंग लिस्ट आनी है और इसकी अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मांग की थी, धरना प्रदर्शन किया था, तो इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी हुई है। सहायक अध्यापक प्रतिष्ठित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थीगण जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं तथा अचयनित अभ्यर्थियों के लाभार्थ एवं उनके प्रति संवेदना के कारण अब सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 में अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें एदर द्वारा सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थन निरस्त करने वापस लेने संबंधी आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 12/4/2023 में निर्धारित अंतिम तिथि को दिनांक 15/5 तक बढ़ा दिया गया है। अतः अभ्यर्थीगण अपना अभ्यर्थन निरस्त करने वापस लेने हेतु अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग को एक ईमेल करें। दोस्तों, कई स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो एलटी ग्रेड में चयनित होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा उनको और भी जॉब मिली, जैसे कि डाइट में जॉब मिल गई। तो उन लोगों ने यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड की वैकेंसी थी जिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था, उस पद को या तो ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। और कुछ लोगों का जीआईसी प्रवक्ता में भी हो गया, कुछ लोगों का पीसीएस में हो गया। तो मैं ऐसे उन सभी छात्रों को पर्सनली भी बोलूँगा कि वो इस ईमेल को अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से यहाँ पे मेल भेज दें और अपना जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जो था उनका अभ्यर्थन जो है उसको वापस ले ले, जिससे किसी अन्य छात्र का भला हो सके। बाकी जो वीडियो देख रहे होंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, जो मेरे कांटेक्ट में है उनको मैं पर्सनली बोल के ये करवा दूँगा, जिससे कि कुछ सीटें आपके वेटिंग वाले छात्रों के लिए बढ़ जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।